मित्तल ग्रुप के तहत द्वारका दास मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट एरिया कॉलोनी बठिंडा में रहने वाले 51 परिवारों के लिए स्थायी घर बना रहा है, जिसका शिलान्यास रविवार को पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने किया। श्री राजेंद्र मित्तल प्रबंध निदेशक मित्तल समूह एवं श्री कुशल मित्तल संयुक्त प्रबंध निदेशक श्रीमती सुनीता मित्तल के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री जगजीत सिंह जोहल, नगर निगम के महापौर श्री रमन गोयल, वरिष्ठ उप महापौर श्री अशोक कुमार, उप महापौर श्री हरमंदर सिंह, निगम आयुक्त श्री विक्रमजीत सिंह, नगर पार्षद व शेरगिल सहित अन्य नेता, योजना बोर्ड के अध्यक्ष राजन गर्ग, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के अग्रवाल और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरुण वधावन भी मौजूद थे। गरीब लोग बराबर मकान बनने चाहिए, पंजाब बना के बाद बनने चाहिए, भी छड़ ना दिए बेचारे। फिलहाल तो मित्तल ग्रुप की तरफ बना के दिते आ, बना रहे, सानू बहुत खुश है, उन्होंने बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत खुश है असि भी, चलो बना रहे भी साड़ी सरकार जिहड़ा नंबर लगे है नगर निगम की तरफ से, साड़े मकान सब दे बनने चाहिए। होर की डिमांड करते हो, इत्थे की चीज दी लोड़ हैगी? सीवर दी लोड़ है, टॉयलेटां दी लोड़ है, लाइट साड़े लगी हुई है, गली नालियां बननियां चाहिए हैगियां, बाकी सानू कमेटी सेंटर चाहिए, एक सिलाई सेंटर स्कूल चाहिए कुड़ियां वाला। ठीक, यही मेरी बेनती हथ जोड़ के सारे नूं सुनेहा यही है मेरा, पंजाब सरकार नूं केंद्र सरकार नूं मेरा यही संदेह है भी मैं 30 साल तुरे रह रही हूँ। ठीक, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? जब से थर्मल बना तब से है। क्या कहना चाहोगे, जो मकान बनाने जा रहे हैं हाँ। वो मित्तल की तरफ से बनाए जा रहे हैं हाँ। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपको सहूलत मिली हाँ। नहीं, हम मित्तल बनाए चाहे बदल सरकार बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, जो हमको घर बना के देगा हम उसी को वोट देंगे। मगर सरकार की तरफ से आपको कभी आपको फैसिलिटी दी गई यहाँ पर? दिया था तो वही तो दिया था, कोई सहूलत दी थी आपको? हाँ, जो मनप्रीत है ना उसी ने दिया था कि मैं मकान बना के दूंगा। अच्छा, वैसे बोला था। मगर अभी तो मित्तल की तरफ से बना कर दे रहे हैं। अभी मित्तल बना के दे रहा है, मित्तल जो जिधर सपोर्ट करेगा हम उधर ही सपोर्ट करेंगे हाँ। क्या खुश हो आप मकान बना कर दे रहे हैं? हाँ, खुश हो जी। कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ, क्यों हम लोग का बेगाना को गाना करते है ना, इसके लिए खुश हूँ। जी मित्तल साहब, की कहना चाहोगे जिहड़ा अज दा इनॉग्रेशन कीता गया? अज दा जिहड़ा इनॉग्रेशन है या जिहड़ा अज दा एक समागम है, 51 बेघर लोगों नूं असीं घर बना के दे रहे हैं। इत्थे गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, विच तकरीबन 468 घर इत्थे बन रहे हैं। इस स्कीम दा सारा ही श्रेय है जिहड़ा FM साहब दे बदौलत ते कमिश्नर साहब दी बदौलत, जो गिल साहब हैं उन्होंने बड़ा सहयोग दिता इस बनाने च। 468 घर टोटल बनने, असं 51 घर की शुरुआत करें। ये शुरुआत असी अपने बेटे की, मेरे बेटे की जरा परिवार सब तो छोटा है, इन्हें साड़ी माता जी की इन्हें दादी जी की बड़ी इच्छा सी भी ये उपलक्ष्य से तुम अपने शादी के खर्चे चाहे घटा लो तो, लेकिन एक बड़ा समाजिक कार्य है, एक समाज में कुछ ना कुछ दो। तो सानू जो मीटिंग हुई होर हुई सोच हुई तो इस तो वधिया सानू कोई काम नहीं लग्या भी जी उड़िया कलोनी है बड़ी एक गरीब बस्ती है, जेडे मकान ने उरे सिर्फ झोगी झोपड़ियाँ रहने वास्ते लैग नहीं, बरसातों उन्हों का बुरा हाल हो जाता है, सर्दियों है गर्मियों है भी उन्होंने असं पक्के मकान बना दिए। असी 51 मकान अपने ट्रस्ट के वालों तकरीबन जिदा खर्चा 3 लाख रुपए घर आऊगा तो असं इन्होंने बना के कारपोरेशन हैंड ओवर कर रहे हैं, कारपोरेशन अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इन्होंने अगे अलॉट कर। की कुछ होएगा ये रूम दे, किस तरह के रूम हो गए? ये दो रूम है, एक टॉयलेट है, एक किचन है। बहुत वधिया मैसेज है कि जिहड़ा तुहाडा जा रहा, की कहना चाहोगे बाकी लोगों नूं जे तुहाडे मन नूं इस तरह दे उपराले करन? तां देखो जी, समाज शुरुआत है इस चीज़ की, आई थिंक ये पहली बार पंजाब च होया है भी किसी इदा खुशी के मौके पर भी इदा किसी ने समाजिक कार्य किया है, स्पेशली एक घर बना के देना लोगों नूं, जे तुहाडे आप दे पुत्र का घर बस रहा तो तुसीं लोगों ने भी घट्टो घट्ट कुछ घर बना के उन्होंने बसा रहे हो। आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मैसेज आऊगा, समाज फॉलो करूगा कि अगे 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 होर सारे बाकी डिस्ट्रिक्ट भी बाकी शहर च भी इदा कम होगा। अपील न्यूज के लिए कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट बजेंद्र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें